नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो कुछ बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की ब्लॉग सुबह मॉर्निंग मेरे घर से, जैसे कि अभी मैं नाश्ता करने के लिए बैठा हूँ और आज का प्लानिंग है। बहुत दिन से हम बोल रहे थे कि मसूरी जाएंगे, मसूरी जाएंगे, तो आज की प्लानिंग ऐसी है कि हम जाएंगे मसूरी। ब्यूटीफुल व्यू दिखाने वाला हूँ मसूरी से। तो ये कुछ रोड से स्टार्ट है वही वीडियो, तो फ्रंट का व्यू भी आप देख ही रहे होंगे। अब तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहे। यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, व्यू भी मिल जाते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार मेरी एक रिक्वेस्ट है, कितनी मेहनत करता हूँ मैं, थोड़ा सा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार। इतनी देर में अब आगे जाके मैगी पॉइंट कुछ आने वाला है, जाके मैगी पॉइंट की वीडियो आपको सामने दिखेगी और यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा, जो मैगी पॉइंट से नीचे का व्यू दिखता है, देहरादून का व्यू दिखता है, तो वो काफ़ी रोमांचक होता है जो आपको आज दिखाने वाला। और जिसके बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है सामने। ये लो, ये है मैगी पॉइंट और ये है मैगी पॉइंट का व्यू, जो आप नीचे से पूरा देहरादून दिख रहा हो, आपका बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा। अक्सर दोस्तों यहाँ पर अगर कोई नाइट में भी आ जाए तो नाइट में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि पूरा देहरादून जगमगाता है लाइटों से और वो रियली ब्यूटीफुल दिखता है उसको। और ये कुछ नई चीज है यहाँ पर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों एक झूला लगा है मैगी पॉइंट में, तो ये मतलब कुछ तरह से अभी वो हुक लगा रहा है उसमें, तो हुक तार के उससे मतलब वो मोटर द्वारा उसे पीछे खींचेंगे तो आपको दिखाएंगे। ये अभी वो चेक कर रहा है कुछ, तो कुछ पूछ रहा है उन्हें कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब उनकी बेल्टें देख रहा है, जो सेफ्टी गियर होते हैं उनके, तो सेफ्टी गियर देख रहा है। अब ये जो ऑपरेटर है ये पीछे आ चुका है और अब ये मशीन चालू करेगा इसका, और मतलब ये मतलब एक रोलिंग की तरह इसका पीछे से रोल होगा और ये ऑटोमेटिकली पूरा पीछे आएगा। ये मतलब जो बैटर के झूले में ये कुछ आप सामने से देख रहे होंगे, कुछ मतलब ये पूरा पीछे आ रहा है। और भाई मैं तो बिल्कुल इसमें कभी प्रिपेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत डरावना है ये, क्योंकि कुछ मौत से बढ़कर नहीं है ये। मतलब अगर खुल गया, कुछ हो गया तो भाई मुश्किल है आप मिलेंगे आप ये से, मतलब इतनी गहरी खाई दिख रही है यहाँ से। और ये कुछ देख रहे होंगे आपकी मतलब पीछे से खींची जा रही, मशीन खींची जा रही उसे, तो अब आगे उसका इंतज़ार है कि कब ये छूटेगा। और भैया बैठने वाला तो अलग है, लेकिन हमें तो काफ़ी डर लग रही, मुझे खुद, मैं तो बैठ भी नहीं रखा हूँ लेकिन मुझे इतनी डर लग रही है देख के। पर वाकई में जब इसका एक्सपीरियंस, पहले मेरे एक दोस्त और दो दोस्तों ने और उन्हें लिया था, तो उन्होंने बोला कि यार बोलते बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आता है इसमें, तो भाई मैं तो अपने आप को नहीं बैठना चाहूँगा इसमें। पर यहाँ पे ये भी एक्टिविटी है, यहाँ पर है जो अगर आप पसंद करते हो तो एक्टिविटी मतलब काफ़ी बढ़िया। ये बहुत ही ऊपर लेके गए, आप जो सामने से देख ही रहे होंगे कि इतना ऊपर लेके जा चुका है उसे, और मालूम नहीं कितने ऊपर लेके जाएगा और कहाँ से कहाँ छोड़ेगा। मज़ा भी आ रहा है देखने में, मज़ा भी आ रहा है देखने में, लेकिन बट ये तो एकदम वो भयंकर इतना ऊपर लेके गया दोस्त यार, ये तो बहुत ही ऊपर लेके गया ऐसे। और जो आप देख रहे हैं, और भाई ओ भाई मतलब लास्ट टावर में लेके गया इसे और अब यहाँ से छटकेगा ये। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाओ देखने के लिए, बस यहाँ से छटकने वाला है ये छटका दोस्तों, ये तो बहुत ही खतरनाक था, ये बहुत ही खतरनाक था, ये बहुत ही खतरनाक था ये। तो अगर आपको पसंद है तो आप जरूर आइए और मैगी पॉइंट में जरूर इसका एंजॉय लें। तो टाइम भी काफी हो चुका था और मैंने सोचा कि चलो हम क्यों ना हम मैगी ट्राई करें, मैगी खाएं यहाँ पर, तो इसी के लिए मैंने मैगी भी ली है यहाँ पर और पूरा परिवार के साथ बैठ के हम लोग सब मैगी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि घूम के तो आ चुके थे और आगे जाना था, लेकिन हमने सोचा कि आगे कुछ क्या होता है क्या नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम मैगी खा लें यहाँ पर,
इंजॉय कर लिया मैगी के साथ पूरे परिवार के साथ यार। लेकिन यहाँ पे एक बार जरूर आना, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैगी पॉइंट जरूर आना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बार बार एक ही बात, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों झूले की एक्टिविटी तो खत्म हो गई और हम चले अब आगे की तरफ। आगे की तरफ आपको सामने देखने को मिलेगा ये शिव भगवान की मूर्ति और इसके आगे देखने को मिलेगा आपको माल रोड, जिस पे हम पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद हम माल रोड पहुंच जाएंगे और यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है आपको ये टैक्सी स्टैंड है, जो जहाँ से आप मतलब टैक्सी ले सकते हो, इधर उधर जा सकते हो। तो यहाँ पे ये टैक्सी की सुविधा भी है, तो यहाँ से जा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आगे माल रोड हम एक बार जा चुके हैं, जो आपका व्यू दिखाऊंगा मैं आपको माल रोड का। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक चेक पोस्ट लगेगा, चेक पोस्ट में आपको जो बाइक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसमें से ऐसा है कि इनका जो परमानेंट यहाँ पे रहता है उनका तो महीने का लाइसेंस बना हो रहता है अंदर जाने का। और नॉर्मली जो बाहर से लोग आते हैं, जैसे हम देहरादून से आए तो हमें 100 रुपये चार्ज करना पड़ता है कि कितनी बार भी आप अंदर जाओ बाहर जाओ तो 100 रुपये आपको देना पड़ता है। तो ये अक्सर यहाँ मसूरी में होता है। तो हम लोग अंदर माल रोड में तो नहीं गए, लेकिन बाहर से आपको इसका व्यू दिखाएंगे। यहाँ से हम प्लानिंग चेंज हो गया था हमारा कि हम यार यहाँ से केम्प्टी फॉल जाएंगे और केम्प्टी फॉल देखेंगे, केम्प्टी फॉल का व्यू दिखाएंगे आपको। जहाँ की वीडियो अक्सर छाई हुई रहती है और हमेशा बहुत ही बढ़िया नज़ारा है केम्प्टी फॉल का, जहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया फाइव स्टार होटल्स भी देखने को मिलेंगे। और जो होटल मतलब आपको तो मालूम है वर्ल्ड वाइड होटल है वहाँ पर, तो उसका व्यू भी दिखाऊंगा आपको आगे जाकर। उसका नाम तो सबने सुना ही होगा, जैसा उसका नाम है ही। जैसे कि मैंने बताया आपको कि केम्प्टी फॉल जाना है हमें, तो ये रास्ता काफ़ी बढ़िया है और ये सामने का जो व्यू दिख रहे हैं वो काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इसका भी मुझे अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरा भी ये पहली बार है यहाँ पर केम्प्टी फॉल में आना। और ये कुछ रास्ता जा रहा है यहाँ से और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यहाँ से, अगर आप देखेंगे बाहर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। और पहाड़ों की खूबसूरती और इन हसीन वादियों में दोस्तों कभी आप जरूर इसका एक्सपीरियंस करिए। तो दोस्तों ये आ गई वो जगह जिसे बेसब्री से इंतजार था, यहाँ का नाम है केम्प्टी फॉल। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत लोग क्राउड होता है, अक्सर गर्मियों में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और यहाँ का मतलब व्यू देखने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं। बच्चों की एक्टिविटी भी काफ़ी एक्टिविटी दे रखी है ये लोगों ने और बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो दोस्तों आप ज़रूर बताना कि मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, तब तक के लिए।